चैनल में आपका स्वागत है। मैं आश्वाकनी। खबरें देखने से पहले चलते हैं हेडलाइंस की ओर। बेजावर बस स्टैंड में हटाया गया अतिक्रमण। बहुजन मुक्ति मोर्चा के समर्थन के में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के बेजावर नगर पंचायत के द्वारा बेजावर बस स्टैंड से हटाया गया अतिक्रमण, जिसमे राहुल सिलाड़िया के साथ नगर पंचायत और पुलिस अमला रहा मौजूद। हम आपको बता दें कि बस स्टैंड पर यातायात की समस्या आए दिन बनी रहती है। इसी से निजात दिलाने के लिए एसडीएम और पुलिस के साथ नगर पंचायत की संयुक्त कार्रवाई में बस स्टैंड पर रोड किनारे रखे हुए डब्बे, फल सब्जी इत्यादि की दुकानें हटाई गईं। बेजावर से हुसैन निजामी की खास रिपोर्ट। छतरपुर शहर के डाकखाना चौराहे के पास बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन के साथ परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएम सोलंकी नई दिल्ली, उद्घाटन भागीरथ चौरसिया जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, मुख्य अतिथि ब्रजलाल अनुरागी बहुजन समाज सेवी के द्वारा की गयी। इस परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य आजादी के 75 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी ओबीसी समाज की जातिगत आधारित जनगणना करवाना एवं समाज के गौरवशाली इतिहास की विरासत एवं हक अधिकार के प्रति लोगों को जागृत करके राष्ट्रीय स्तर का संगठन एवं आंदोलन का निर्माण करना है। उस समय अंग्रेजों ने इस देश की जनगणना यानी गिनती कराई थी। उस समय इस देश में पिछड़े वर्ग यादव है, कुर्मी है, लोधी है, कुशवा है, बघेल है, गुर्जर है, प्रजापति है, नाई है। संख्या थी साथियों, आदि आबादी कितनी थी? आदि आबादी इस देश में, आदि आबादी का फायदा सिर्फ इस देश के चंद लोगों को हुआ।